हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 32 देख रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनको हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। दी गई एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है। दी गई एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म्स है तो वो एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाता है। दी गई एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स है, देखो सभी जगह थ्री थ्री टर्म्स है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया ट्राइनोमियल। और जिस एक्सप्रेशन में थ्री से ज़्यादा टर्म्स है, देखो एक दो तीन एंड चार टर्म्स है यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इसमें कितनी है, देखो पांच टर्म्स है, तो ये भी पॉलिनोमियल। मोनोमियल एक टर्म वाला एक्सप्रेशन, बाइनोमियल टू टर्म वाला एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स रहती है और पॉलिनोमियल्स में थ्री से ज़्यादा टर्म्स रहती है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। ओके, और अभी देखो मोनोमियल, इसमें एक ही टर्म में कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल ऐसे टू टाइप रहते हैं। ओके, कभी कभी सिर्फ कोएफिशिएंट ही दिया रहेगा, वेरिएबल नहीं दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये भी क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन ही है, ये भी मोनोमियल एक्सप्रेशन ही है। अभी हम दी गई जो एक्सप्रेशन है उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। अभी ये सभी दिए हुए हैं एट नंबर एक्सप्रेशन, इसमें कौन सा मोनोमियल है, कौन से एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म दिख रही है, तो देखो 7x ये एक ही टर्म है, उसके बाद यहाँ पे ये एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ये भी है, तो फर्स्ट 6 एंड 7, फर्स्ट 7x, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7th, ये तीनों भी मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। बाइनोमियल्स कौन से है, जिसमें दो टर्म है, वो देखो सेकेंड वाला 5y-7z, उसके बाद में फिफ्थ वन भी है 5m-3। ओके, ये दोनों ही है। अभी ट्राइनोमियल किसमें थ्री टर्म्स है, थर्ड वन है देखो और एट्थ वन है, इसमें थर्ड वन एंड एट्थ वन जो है वो ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको राइट कर लिया। अभी पॉलिनोमियल कौन सा है, जिसमें थ्री से ज़्यादा टर्म, वन टर्म है, टू टर्म है, थ्री टर्म है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो यही क्या है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी राइट कर लिया, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल्स, सभी 8 का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इयत्ता 7वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।